नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक चीज़ बताने वाले हैं, फ्यूजलेस टायर में क्या होता है। किट डालने के बाद होल बड़ा हुआ था, दिखा देता हूँ। ये मतलब इसमें पहले किट डाला हुआ था, देख सकते हैं बहुत बड़ा होल हो गया, ठीक आर पार हो गया। और हमने बड़ा किट डाला तो आर पार मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, हवा मैंने निकल रहा था पंचर आने के बाद। तब हम इसमें मशरूम किट डालेंगे, इसको मशरूम किट बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये होल को भर देगा। तो इसको पहले हम घिस लेंगे अच्छा तरीके से, और उसके बाद हम इसको डालेंगे। दोस्तों मशरूम किट लगने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, टायर में कोई प्रॉब्लम आएगा। देख सकते हैं ये पूरा आर पार हो गया है। तो हम इसको मशीन से घिसेंगे और उसके बाद हम इसमें चिपकाएंगे मशरूम किट। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों दोस्तों देख सकते हैं पूरा घिस गया। अब इससे हम थोड़ा सा स्लेस का आगे मार देंगे ताकि जो मतलब रबर है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब हम किट घिसने के बाद दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको ये जो प्लेन हो जाना चाहिए, ठीक, इस तरह रेगा नहीं होना चाहिए, ताकि अगर रेगा आ जाएगा तो हवा निकल लेगा। तो आपको ये सब प्लेन कर लेना है, ठीक है। तो हम स्लेस का मदद से हल्का हल्का प्लेन कर लेता हूँ। मशीन से घिसने के बाद हल्का हल्का जो रबर था वो सटा हुआ सब बाहर निकल जाएगा, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो, हवा लीकेज ना करे। फाइनली दोस्तों पूरा हो गया प्लेन, और हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे और अब किट डालेंगे। दोस्तों आप लोग इस तरह से कवर को हटा लेना और इसको निकाल के इस तरह लगा लेना है, और इसके बाद सॉल्यूशन को पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। उसके बाद इसको हम डालते हैं इसमें होल में, देख सकते हैं इसको हम होल में डाल दिए, ठीक। और हम उधर गिलास के माध्यम से किसी चीज़ के माध्यम से घींच देंगे। तो इसको इस तरह कर लेते हैं, घिसने के बाद अब इसको निकाल लेना। दोस्तों फाइनली हमने जो किट था वो लगा दिए, देख सकते हैं अंदर हमने वो जो मशरूम किट था वो लगा दिए हैं। तो अब हम टायर फिट करें और साइड में देख लेना कंकर कुछ तो नहीं है प्रॉब्लम, उसके बाद हम टायर लगाते हैं। और इसको हमने टांग काट लिए थे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो टायर आप फिट करते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमने टायर आप फिट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और हमने रिम सब चेक कर लिया साइड से, तो हवा तो नहीं निकल रहा, सब चेक कर ली हमने। दोस्तों इसकी गलती कर दी है दोस्तों कि हम पहली जो मशरूम किट का जो छा होता है जो घींचे थे इस तरह का, तो ये हम पहले ही काट लिए, नहीं काटना चाहिए पहले। पहले हमको हवा दे के बाद में काटना चाहिए ताकि बराबर हो जाए। और हम हल्का सा नहीं ऊपर कर दिए थे, तो हमने अभी काट रहे हैं, देख सकते हैं काट रहे हैं इसलिए कि ताकि मतलब ऊँचा हो गया था, ठीक है। अगर गाड़ी चलेगा तो फिर चक्का ऊपर नीचे करेगा, इसलिए कर लिया दोस्तों। हमने चेक कर ली, फाइनली सक्सेसफुल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कभी लिखने होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।